मेरा बर्थडे आने वाला है वीकेंड पे। मैंने डिसाइड कर लिया इस बार मैं ऐसे वैसे सेलिब्रेट नहीं करूंगी, इस बार मेरा बर्थडे होने वाला है खास। मैं इनवाइट करने वाली हूँ 100 सेलिब्रिटीज को, डीएम करने वाली हूँ अभी आपके सामने और देखने वाली हूँ कि कौन कौन मेरे बर्थडे पे आने वाला है। हमें तो बुला रही है ना? यस यस ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है, अपने तो अपने होते हैं। एनीवे गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हमारी लिस्ट के साथ जो मैंने यहाँ पे बना ली है, और हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप से, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पहला निमंत्रण तो बनता ही है, और अभी तो निश्चय को नेशनल अवार्ड मिल गया मोदी जी के हाथ से, तो हमारे बर्थडे पे भी आ सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ मोदी जी को, नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप मेरे जन्मदिन पर आकर उसकी शोभा बढ़ा सकते हैं? आई नो आप काफी बिजी रहते हैं, इंडिया की सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पे है, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी अगर आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे बर्थडे पर आए। तूने ये सोचा अगर सच में मोदी जी आ गए तो क्या होगा भाई? मुझे तो मतलब इनवाइट करने के उससे ही ऐसे लग रहा है कि मैंने मोदी जी को इनवाइट करा है, सो प्राउड फीलिंग हो रहा है। तू ऐसा कह रहा है, मेरे दिल में धक धक हो रहा है, और ये अशर बेटा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इनवाइट करूं, पहले इनवाइट पे ही आ गया। अगला मेरा इनवाइट जाने वाला है विराट कोहली सर को। कांग्रेचुलेशन सर, अकाई बहुत ही प्यारा नेम है, आई एम श्योर अशर और अकाई की बहुत जमेगी। क्या आप मेरे बर्थडे पे अनुष्का भाभी के साथ आ सकते हैं? अगर आप आए तो RCB 100% IPL ट्रॉफी जीतेगी। ओके गाइस, नेक्स्ट ऑन लिस्ट इज बाजीगर शाहरुख खान। SRK सर, आप तो दुनिया के सुपरस्टार हैं, भगवान ने आपकी सारी मन्नत पूरी करी है, अभी आप मेरी मन्नत पूरी करिए ना। पठान भी हिट है, जवान भी हिट है, मेरे बर्थडे पार्टी में आके मेरी बर्थडे पार्टी हिट बना दीजिए ना सर। अगली ऑन लिस्ट है प्रियंका चोपड़ा, मेरी फेवरेट। हाय PC, आई लव यू सो मच, लिटिल क्यूटी मालती, सो मच लाइक यू एंड निक जीजू। I would love it if you can make it to my birthday party in Delhi this weekend. आ जाओ ना प्लीज, और निक जीजू को भी साथ में ले आओ ना। The account can't receive your message because they don't allow new message requests from everyone. सपना टूटा है पर दिल, कोई बात नहीं, आज मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, कल मुझे प्रियंका चोपड़ा की खुद की टीम से मैसेज आएगा कि हम कोलैब करते हैं। औकात में रहो। आलिया भट्ट इज नेक्स्ट ऑन लिस्ट। अशर को राह से मिलवा दो, दोनों की राह मिला दो। सॉरी फॉर बीइंग क्रिंजी, बट आई रियली वांटेड टू इनवाइट यू, राह एंड रणबीर कपूर फॉर माय बर्थडे पार्टी, आना ना प्लीज। दीपिका पादुकोण की गुड न्यूज है, एंड आई होप दीपी हमारे बर्थडे पार्टी पे आ सके। जब अशर होने वाला था मुझे भी थोड़ा सा ऐसा मुश्किल लगता था आने जाने में, और स्टिल यार शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो इनवाइट करना तो बनता ही है। हे दीपी कैसे हो, आई होप आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही होगी, बिकॉज रणबीर जीजू आपका ध्यान रख रहे होंगे, पर अगर आप दिल्ली हो इस वीकेंड, सो आई लाइक टू इनवाइट यू टू माय बर्थडे पार्टी। हे मस्तानी, प्लीज मेरे बर्थडे पे आके मेरे बर्थडे की शोभा बढ़ा देना। नेक्स्ट ऑन लिस्ट इज दिलजीत पाजी। मेरी पूरी फैमिली दिलजीत की फैन है, एंड अगर दिलजीत मेरे बर्थडे पे आता है, वाह यार, तेरी नहीं मैं लवर। आई नो यू लव काइली एंड ऑल, बट मेरे बर्थडे इस वीकेंड ते मेरा परिवार थोड़ा बहुत बड़ा फैन है, तुसी आके मेरे बर्थडे पार्टी ते चार चंद लगाओगे? नेक्स्ट देखते हैं। हे किटी कैट, आई नो वी आर नॉट फ्रेंड्स बट वी कैन बी, दोनों इंट्रोवर्ट जो है मेरे बर्थडे पे आ जाओ ना वीकेंड पे, रॉक कर देंगे। क्या लगता है कैटरीना कैफ आएगी? ऐसा इनवाइट देख के तो बिल्कुल नहीं आएगी, बट हाँ अगर कैटरीना तुम आ रही हो तो मेरे लिए के ब्यूटी के अच्छे सारे प्रोडक्ट्स लेके आना, क्योंकि मुझे तुम्हारा ब्रांड बहुत पसंद है। #NotSponsored। नेक्स्ट ऑन लिस्ट इज सलमान पाजी। भाई सलमान खान, कैटरीना को मैंने इनवाइट कर लिया, अभी आपका आना तो बनता है ना। हे डियर, नहीं डियर नहीं लिखूंगी, डियर से उनका 36 का आंकड़ा है। हे सलू भाई, I love my mother, you love your mother, we both never trouble mother. So come on my birthday party this weekend, क्योंकि टाइगर अभी भी जिंदा है। एक्चुअल में मैसेज भेजने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे उन्हें ऐसा लिखना चाहिए था, अभिषेक नाम से आपको भी प्रॉब्लम है, मेरे छोटे भाई अभिषेक से मुझे भी प्रॉब्लम है, दोनों को अभिषेक से प्रॉब्लम है, आ जाओ दोनों बदला लेंगे। मेरे भाई से गुल्लू गुल्ली करेगी ना, मैं घोप डालेगी। शहनाज गिल, आजकल इनके बहुत चर्चे हैं, तो आड्डा कुत्ता टॉमी, साड़ी कुत्ती बेला, शहनाज आ जाओ मेरे बर्थडे पे, लगा देंगे मजेदार रिला। क्या बात है, इट्स माय बर्थडे दिस वीकेंड, आ जाना ना। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, शहनाज गिल पक्का मेरे बर्थडे पे आने वाली है। मैंने कोई पाप कर रखा है क्या? अमिताभ बच्चन सर, बिग बी मेरे बर्थडे पे आना वीकेंड पे, कौन बनेगा करोड़पति कॉन्टेस्ट खिलाने, शहनशाहों के शहनशाह मेरे बर्थडे पे आके उसकी शोभा बढ़ाना ना प्लीज। साथ में जया बच्चन को लेके आने, तो मैं लिखना ही भूल गई। ओ शिट यार, अभी जया जी नहीं आएंगी तो फिर मजा ही नहीं आएगा, डांट ही नहीं पड़ेगी किसी को। शिट, अब उन्होंने ये देख लिया फिर तो वैसे ही नहीं आएंगे मेरे बर्थडे पे। सॉरी पाजी, कट कर देना। नहीं, अभी अमित सर को बुलाया तो मेरी फेवरेट ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोई पाप किया, उनको भी जरूर बुलाएंगे हम। तो मैंने लिखा है, यू आर द मोस्ट गॉर्जियस लेडी इन दिस वर्ल्ड, आई स्वेयर, प्लीज मेरे बर्थडे पे आना दिल्ली वीकेंड पे, वी विल हैव फन, आराध्या को भी ले आना,
और उसका हेयर कट भी करा लेना। ऐसा मैंने लिखा नहीं है बट मैं बता रही हूँ। सॉरी। दिल्ली में बहुत अच्छे बार्बर्स हैं, मतलब अगर आई एम जस्ट सजेस्टिंग। मैं क्यों बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ, वो मैंने कोई ताला ही नहीं है यार। अभिषेक बच्चन को नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अभी मैंने जितने इन्वाइट करने थे, मेरी लिस्ट थोड़ी टाइट है। शाहिद कपूर, तो गाइस मेरी लिस्ट से शाहिद कपूर आउट हो गया क्योंकि शाहिद कपूर को मैसेज जा ही नहीं सकता। ये तो बहुत नाइंसाफी है। क्या पता शाहिद सर आके चांटे चूटे लगा देते, आजकल उनको बहुत शौक चढ़ रहा है मूवी में चांटे चूटे लगाने। मैं नहीं बोला रही। वरुण धवन, मैंने सुना है वरुण धवन आ जाते हैं और रिप्लाई भी कर देते हैं, तो मैं लिख रही हूँ कॉन्ग्रेट्स पापा टू बी, सो हैप्पी अबाउट योर गुड न्यूज, इट्स माई बर्थडे दिस वीकेंड, दिल्ली हो तो कम जॉइन अस, नो एक तू एक मैं और हो डिम डिम बर्थडे लाइट्स। वरुण धवन जिसका क्रश है श्रद्धा कपूर, उसको इनवाइट करते हैं। हाय श्रद्धा स्वीट्स, हाउ आर यू? वैसे वो बहुत स्वीट है। आई नो यू लव फूड एंड मेरे बर्थडे पार्टी में बहुत सारा खाना होने वाला है, सो व्हाई नॉट जॉइन अस दिस वीकेंड इन दिल्ली फॉर माय बर्थडे पार्टी। आना ना। अब हम इनवाइट करने वाले हैं हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी को। हाय माही सर, मेरे बर्थडे पे माही वे पे डांस करोगे? CSK हर मैच जीतेगी पक्का, पर आना भाभी और जीवा के साथ वीकेंड पे बर्थडे पे। और क्रिकेटर्स की बात हो रही है तो फिर हम सचिन तेंदुलकर सर को कैसे भूल सकते हैं। सब शुभ मंगल सर, मेरे बर्थडे है वीकेंड पे, आजकल आप ट्रैवल कर रहे हैं और व्लॉग्स बना रहे हैं, तो मेरे बर्थडे पे भी आइए ना प्लीज, व्लॉग बनाएंगे। अरे यार, मैंने विराट कोहली को इनवाइट कर लिया और भाभी को ऐसे इनवाइट करे कि मतलब वो तो आएंगी नहीं ना, मतलब अनुष्का भाभी को तो प्रॉपर लाइक सॉलिड इनवाइट अलग से देना ही पड़ेगा। हाय अनुष्का भाभी, सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स, अकाई नेम बहुत प्यार है, दिल्ली साइड छोले भटूरे खाने चक्कर लगे तो मेरे बर्थडे पार्टी पे आइएगा विराट भैया के साथ, उनको भी इनवाइट करा। क्या लगता है अनुष्का भाभी आएंगी? हम करते हैं इनवाइट नेहा कक्कड़ को। यू कांट मैसेज दिस अकाउंट अनलेस दे फॉलो यू। क्या पता एक दिन नेहा कक्कड़ मुझे फॉलो करे, तब मैं उसे DM कर लूंगी। कोई नहीं, अभी के लिए हम टोनी कक्कड़ को करके देख लेते हैं। टोनी पाजी, तुम्हारी किस्मत चमक गई। मैं तुम्हें मैसेज करने वाली हूँ। हाय टोनी पाजी, व्हाट्स अप? इट्स माय बर्थडे दिस वीकेंड, आप मेरे पार्टी पे आना नेहा रोहू के साथ, धीमे 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 धीमे। आयुष्मान खुराना, साडी गली आजा बर्थडे ऑन वाली है, तेनू होगा मार दी फेरा, कॉपीराइट आ जाता है भाई। इट्स माय बर्थडे दिस वीकेंड, कैन यू कम विद ताहिरा फॉर द सेलिब्रेशन, अपनी बॉटी में भी लेके आना, असी मजे करांगे। वैसे मैं आयुष्मान खुराना को रोडीज टाइम से जानती हूं, रोडीज से याद आया रघु राजीव, इनको इनवाइट करा जाओ अगर ये मेरे बर्थडे पे आ गए, पूरी रोडीज कम्युनिटी का वो जो पूरा एक वो लेके जज्बा आएंगे और पूरे सारी बर्थडे पार्टी को ये रोस्ट कर देंगे। हेलो रघु जी, अगर गुस्सा ना मानो तो बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करना चाहेंगे, राजीव सर को भी बुलाना है वीकेंड दिल्ली में। हाँ। क्या लगता है? ओके, मैंने क्या लिखा है, मेरे बर्थडे पार्टी पे आइए ना दिल्ली इस वीकेंड, बिकी प्लीज, चैट भाभी को भी बुला लिए। मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफी क्रिएटिव चीजें लिख रही हूँ यार, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। दिव्या को मैं लिखती हूँ, तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवां, मेरे बर्थडे पर आओ ना। Nice. इसी से मुझे याद आई है हिना खान, भाई बिग बॉस में जो इन्होंने अपनी एक वो बनाई थी छवि, वैसे उससे रियल लाइफ में तो एकदम अलग ही लगती है, बट अगर वो वाली छवि लेके मेरे बर्थडे पे आ गई ना तो बड़ा मजा आएगा। हाय हिना, कैसे हो? बिग बॉस आप भी नहीं जीते, मेरा भाई भी नहीं जीता, पर दोनों विनर थे। एनीवे बर्थडे है वीकेंड दिल्ली में, आओ ना इफ पॉसिबल। अक्षय कुमार नेक्स्ट, विमल पान मसाला की एड नहीं करानी यार, ये नहीं लिखती यार। फिर तो बिल्कुल नहीं आएंगे बर्थडे पार्टी पे, कुछ स्टंट्स करेंगे तो बढ़िया मजा आएगा वीकेंड दिल्ली में, कमिंग ना, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, दिल्ली तो इनके चक्कर लगते ही रहते हैं। जस्टिन बीबर, हे मिस्टर गायब, इसको पता ही नहीं होगा मिस्टर गायब का हिंदी में इंग्लिश में क्या मतलब है, आजकल ये गायब है बिल्कुल। इज इट टू लेट टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी? इफ नॉट देन प्लीज ज्वाइन मी, जैसे स्पेशली आएगा, क्या पता आ जाए वैसे US से इंडिया, सब पॉसिबल है। रिहाना आई थी भाई, अंबानी ने रिहाना को बुला दिया तो जस्टिन बीबर भी तो आ सकता है भाई, पर जस्टिन को बुलाए तो हेली बुरा मान जाएगी। हे हेली लव, विल यू लाइक टू कम टू माय बर्थडे पार्टी इन दिल्ली दिस वीकेंड, मैं सेलिना गोमेज को भी बुला रही हूँ, तो तुम मत आना। मजाक था गाइस, मजाक। बाय द वे सेलिना को मैसेज नहीं जा सकते इसलिए उसको इनवाइट भेजने का कोई फायदा ही नहीं, बट आई रियली होप कि सेलिना की PR टीम ये वीडियो देख रही हो और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि एक दिन सेलिना गोमेज मेरी बर्थडे पार्टी में आए ना आए, बट मुझे मिल जरूर ले। लाइक मैंने एक के बाद एक इतने सारे सेलिब्रिटीज को DM करा बट किसी ने भी मेरे DMs को सीन नहीं किया, किसी ने भी मेरे DMs को रिप्लाई नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर वन, राखी सावंत।
यार। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, हम करने वाले हैं मैसेज रणवीर सिंह को। तो हमने सोचा कि मस्तानी के बाजीराव को तो बुलाना ही पड़ेगा ना, बाजीराव के बिना आने भी नहीं वाली। तो मैं लिख रही हूँ, हेलो रणवीर जी, बैंड बाजा बारात नहीं, बर्थडे पे धूम मचानी है, बाजीराव आप साथ में दीपिका मस्तानी है। अभी तो आ जाना चाहिए, प्लीज मेरे बर्थडे पे आना ना वीकेंड पे, दिल्ली में वेटिंग। लाइक रणवीर सिंह तो हमें पक्का रिप्लाई करने वाला। और बाय द वे, मेरा मैसेज सीन पे गया है, एक बंदे ने सीन करा है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो सीन वाला बंदा ही मेरे बर्थडे पे आ जाए यार। ओके, सो मूविंग ऑन, हम मैसेज करने वाले हैं ऋतिक सर को। Like, मैं चाह रही हूँ कि ऋतिक सर तो आई जाए मेरे बर्थडे पे, और कंगना रनौत को मैंने मैसेज नहीं किया, आई थिंक हम सबको बुलाएंगे तो बढ़िया कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। हाय ऋतिक, मेरे बर्थडे पे बहुत सारा बॉर्नविटा मिलेगा, बॉर्नविटा से तन की शक्ति मन की शक्ति आती है, पर क्या आप मेरे बर्थडे पे आओगे? क्या लगता है ऋतिक इसका रिप्लाई करने वाले हैं? ऑलराइट, नेक्स्ट पर्सन इज सारा अली खान। बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस हो सकते हैं इसको लेके, बट मुझे एज एन एक्टर तो नहीं, बट वैसे बहुत क्यूट लगती है, लाइक उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, स्पेशली जब सूट पहनती है तो काफी क्यूट लगती है। हाय सारा, मेरे बर्थडे पार्टी पर आओगे तो बहुत मजेदार से प्लाजो सूट दिलाऊंगी, सुबह का स्नान करके आना, उससे दिन अच्छा जाता है। कॉन्टेक्स्ट केदारनाथ मूवी में उसका डायलॉग होता है। नेक्स्ट अप इज माधुरी मैम। धक धक करने लगा, मेरा बर्थडे आने लगा, माधुरी जी मेरे बर्थडे पे आना नेने जी के साथ, साथ में बाहर लाना क्योंकि मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। यार मैं कितने गंदे डायलॉग लिख रही हूँ, लिटरली लाइक इससे वर्स्ट स्क्रिप्ट तो हो ही नहीं सकती है मेरे बर्थडे पार्टी के इनवाइट के लिए। नेक्स्ट अप, हम सबकी मतलब लिटरली पूरी दुनिया की फेवरेट उर्वशी राउटेला, द वन एंड ओनली एशियन टू गेट इनवाइटेड इन माय बर्थडे पार्टी। Hi Urvashi, the most beautiful lady in the world. It's my birthday, so I'm expecting you to get a gold cake for. We'll wait for you this weekend. और ऋषभ पंत को साथ ले आना, ये कट कर देना। अब हम मैसेज करने वाले हैं वर्ल्ड के क्रश को, रश्मिका मंदाना। हाय पुष्पा भाव बहिणी, मेरे पार्टी में एनिमल वाला फन होने वाला है, सो प्लीज कम ना, दो तीन जिम मूव्स भी सिखा देना। नेक्स्ट मेरी लिस्ट पे ओरी था, बट क्योंकि आजकल उसकी बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है तो मैंने सोचा कंट्रोवर्शियल बंदे को बुलाना ही है तो राखी सावंत को बुला लेते हैं ना। हाय राखी दी, आपकी जिंदगी में सब रायता फैला रहता है तो मैंने सोचा मेरे बर्थडे पे इनवाइट कर लूं, साथ में बिरयानी बना लेंगे। भाई बस मिक्का को मत बुला लेना उस पार्टी पे, कहीं फिर किस कंट्रोवर्सी पार्ट टू हो जाए। अब हम बुलाने वाले हैं अपने भाई की बहुत ही बड़ी क्रश सोनम बाजवा को। आपने शादी कर ली और मेरे भाई को बुलाया भी नहीं, नॉट फेयर। अब मेरे बर्थडे पे ही आ जाओ, आपके ससुराल के पास ही पार्टी रखी है। ओके वेटिंग, ओह गॉड आई रियली सेंट इट, मैंने भेज दिया सोनम बाजवा को। और भाई मैंने सुना सोनम बाजवा रिप्लाई भी करती है, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है भाई, आता माजी सटक ली रहे। आगे चलते हैं, गिप्पी गरेवाल, जट नु चुड़ैल टक्कर गई, पर मेरे बर्थडे पे आओगे तो छुटकारा मिल जाओ, तो दिल्ली दिस वीकेंड मेरे बर्थडे पे आ जाना। ठीक है गिप्पी बाजी, चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। भाई अभी पंजाब की इंडस्ट्री को बुलाया तो सरगुन मेहता को जरूर बुलाएंगे, मुझे मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। पूछे को आपको देख के निकल रहा है लव यू, मेरा बर्थडे है दिस वीकेंड इन दिल्ली, आ जाना इफ पॉसिबल हो, तो क्या लगता है? सरगुन आएगी। नेक्स्ट हम करने वाले हैं विद्या बालन को। हाय विद्या जी, मेरे बर्थडे पे मिलने वाला है केक, फूल और खाना, पर एंटरटेनमेंट तो आप ही ला सकते हो, तो भाई एंटरटेनमेंट के लिए ही आ जाना प्लीज। इसी के साथ मैसेज करते हैं इमरान हाशमी जी को। द रियल किसर मैन, मेरे पति को है पसंद आपका गाना हमारी अधूरी कहानी, मेरे बर्थडे पे आके कर दो हमारी कहानी पूरी। लिटरली हर्ष का ना फेवरेट गाना है, हमारी अधूरी कहानी। और मैं से लिटरली पूछती हूँ कि भाई हमारी कहानी तो पूरी होगी तो किसको सोच सोच के गाना याद करता है? ऐसा क्या मिलाया था इस गाने में कि मेरे पति को एडिक्शन हो गई है? अब हम नेक्स्ट मिलाने वाले हैं सोनू सूद को। हे सोनू पाजी, तुसी बहुत चंगे हो, ते मेरे बर्थडे ते आके ओदी शोभा बढ़ा दो। फिर बुलाएंगे हम सुनंदा शर्मा को, मेरी मतलब वन ऑफ द बेस्ट पंजाबी सॉन्ग सिंगर है, मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी नु पसंद है तू नी तेरा गुरमू, मैं इनवाइट करा तेनू मेरे बर्थडे ते चनवे। लिटरली इस पॉइंट पे कुछ भी लिख रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, पर मुझे बहुत मजा आ रहा है बर्थडे इनवाइट्स भेजने में। ऐसा ना तेरा बर्थडे भी निकल जाए और अशर का बर्थडे भी निकल जाए, खत्म कर दे भाई लिस्ट, बहुत लंबी लिस्ट है यार। चल लास्ट है कार्तिक आर्यन, इसको बुलाने के बाद अपने बंद कर देगा लिस्ट, या एक लॉर्ड बॉबी को भी बुलाना है। देख तेरी मम्मी के बर्थडे पे कितने सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। भाई मैंने लिखा है कार्तिक आर्यन को, भूल भुलैया की मंजुलिका से बचने का पक्का उपाय है मेरे पास,
अगर मेरे बर्थडे पार्टी पे आओगे तो बताऊ, सही है ना? हर बार कभी ना कभी मंजुली का पीछा ही नहीं छोड़ती इनका। मेरे बर्थडे पार्टी पे आएंगे तो पक्का बताऊंगी, और मैं नहीं बताऊंगी तो अशर तो बता ही देगा। ओके, लास्ट हम कर रहे हैं मैसेज लॉर्ड बॉबी को। बॉबी देओल, मुझे डीजे वाला चाहिए अपने बर्थडे पे। रंग बल्ले बल्ले, चाल बल्ले बल्ले। वी नीड डीजे वाला बॉबी, वी नीड लॉर्ड बॉबी डीजे सर्विसेज फॉर माय बर्थडे पार्टी, क्योंकि सब बड़े बड़े बंदे आने वाले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। भाई आयुष्मान खुराना का सीन है, पर कोई रिप्लाई नहीं करे यार। तो आयुष्मान तो मुझे लग रहा है लिस्ट से काट देने चाहिए, नहीं आने वाले। एनीवे गाइस, अब देखते हैं मेरे बर्थडे पार्टी में कौन आने वाले। उन्होंने बहुत सारे इनवाइट्स भेज दिए हैं, और ये देखो दोनों पीछे, इनको कोई मतलब नहीं है मेरे बर्थडे पार्टी से, मैं क्या कर रही हूँ और मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। खूब सारा खाना और डांस करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं मेरी बर्थडे पार्टी में फिर, बाय। विराट कोहली का रेस्टोरेंट था, विराट सर का आना तो बनता ही था। टेबल सजा हुआ था, सब कुछ रेडी था, फूड ऑर्डर सेट था, बस अब सेलिब्रिटीज का आना बाकी था। सेकंड से मिनट्स, मिनट से घंटों हो गए, कोई आया ही नहीं। ऑनेस्टली मुझे एक बेवकूफ जैसा फील हो रहा था, और जैसे मैं सोच रही थी कि बस अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, यू नो व्हाट, माय फैमिली शोड अप। कोई साथ खड़ा हो ना हो, हमारी जिंदगी में हमारी फैमिली ही हमारा साथ देती है। तो दोस्तों, यही है हमारी असली कमाई और यही है हमारा असली सोना। तो चलो मैं इनके साथ अपने बर्थडे पार्टी एंजॉय करती हूँ, बट आप मेरे लिए एक प्यारी सी विश कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाना, मैं जरूर पढ़ूंगी। ओके बाय, हैप्पी बर्थडे टू मी।